की तरफ से आयोजित हुई लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा के बाद अब आपत्तियां बेरोजगारों पर आर्थिक रूप से भारी पड़ रही हैं। 700 पदों पर आयोजित हुई इस परीक्षा में करीब 60,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सवालों पर आपत्ति करने वाले अभ्यर्थियों से पैसे वसूले जा रहे हैं। दरअसल परीक्षा के प्रश्नों को लेकर अब बोर्ड की तरफ से आपत्तियां ली जा रही हैं और परीक्षा के बाद करीब 8 से 10 सवालों को लेकर आपत्तियां प्राप्त हो रही हैं। बोर्ड की तरफ से हर प्रश्न के लिए 100 रुपए का शुल्क लिया जा रहा है, जिसके चलते प्रत्येक परीक्षार्थी को 800 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक का भुगतान करना पड़ रहा है। परीक्षा को लेकर करीब 20,000 परीक्षार्थियों की आपत्तियां दर्ज होने की संभावना है। ऐसे में बोर्ड को सिर्फ आपत्तियों के लिए ही करीब 1 करोड़ रुपए तक का शुल्क प्राप्त हो सकता है। आर्थिक भार झेल रहे परीक्षार्थियों का कहना है कि प्रश्न पत्र बनाते समय बोर्ड द्वारा गलतियों को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसका खामियाजा बेरोजगारों को आर्थिक रूप से भुगतना पड़ रहा है। अगर परीक्षा से पहले ही बोर्ड प्रश्न पत्रों को क्रॉस चेक करवा ले, साथ ही एक्सपर्ट से इनकी जांच करवाई जाए, तो प्रश्नों में कोई गलती नहीं रहेगी और इससे बेरोजगार आर्थिक भार से भी बच पाएंगे। तो लाइब्रेरियन भर्ती हुई जिसके अंदर उत्तर कुंजिका के अंदर 8 से 10% गलती आई, उसके अंदर भी आ गया कि 1 क्वेश्चन का 100 रुपए लिया जाएगा। आज COVID-19 को देखते हुए हर अभ्यर्थी बेरोजगार है, उनके घर वालों इस तरह सक्षम नहीं है, लेकिन जो 15 से 20 हज़ार रेट लगाएंगे तो एक जने का भी 100 रुपए हुआ तो 20 लाख के करीब होते हैं, जो कि असमर्थ में है अभ्यर्थी, इस दिन को असमर्थ है। पेपर में जो गलतियां हो रही है इसको सुधार जाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बारे में विशेष ध्यान देना चाहिए। पहले पेपर बनाया जाता है, फिर उन पर उत्तर कुंजियाँ मांगी जाती है, क्वेश्चन गलत होते हैं, पेपर टाइम से नहीं हो पा रहा है, काफ़ी सारी विसंगतियाँ हैं। इन विसंगतियों को दूर करते हुए टाइम से परीक्षा का आयोजन, परीक्षा में कोई क्वेश्चन की गलती ना हो, इस तरह की विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। ललित हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर है। ललित, वाजिब सवाल है कि गलतियां भी बोर्ड करे और उसके बाद धन की उगाही भी करे, अपना खजाना भी भरे, लेकिन जो बेरोजगार हैं उन पर वाकई आर्थिक रूप से ये भार है। अब जो कि विरोध हो रहा है, अब खुलकर आवाज उठाई जा रही है, तो क्या आगे कोई कार्रवाई होती है इस पर नजर आ रही है? अभिनव, ये सिर्फ लाइब्रेरियन भर्ती की बात नहीं है, हर भर्ती की अगर बात करें, हर भर्ती में जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित करवाई जाती है, उसमें देखने को मिलता है कि 3 से 4 सवाल या 5 से 7 सवाल गलत आते हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों में उन सवालों को लेकर कंफ्यूजन होता है। परिणाम जारी होने के बाद हमेशा उन सवालों को लेकर आपत्तियां मांगी जाती है, आपत्तियों के लिए प्रति सवाल 100 रुपए का शुल्क वसूला जाता है। कि अब लाइब्रेरियन भर्ती में बता रहे हैं कि 8 से 10 सवालों को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। ऐसे में अभ्यर्थी जिन्होंने 60,000 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे हैं, इनमें से तकरीबन 20,000 जो परीक्षार्थी हैं वह इन सवालों को लेकर आपत्तियां लगाएंगे। यदि प्रति सवाल 100 रुपए के हिसाब से भी माना जाए तो प्रति परीक्षार्थी को 1,000 रुपए का शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा, और यदि 20,000 जो आपत्तियां यदि प्राप्त होती है बोर्ड को, तो उसकी तकरीबन 2 करोड़ रुपए की जरूरत है वो उनकी ओर से लिया जाएगा। तो लगातार ये मांगे उठती आई है कि जो भर्ती परीक्षा होती है क्यों ना उन प्रश्न पत्रों को क्रॉस वेरीफाई किया जाए, एक्सपर्ट से जांच करवाई जाए, ताकि किसी भी प्रकार की आपत्ति से बचा जाए। लेकिन हर बार हर परीक्षा के बाद यही सवाल खड़ा होता है कि आर्थिक क्यों प्रश्न पत्रों में आपत्तियां रखी जाती है, जिसके चलते बेरोजगारों को एक बार ठीक है आर्थिक भार का सामना करना पड़ता। ठीक है ललित, आप बने रहेगा हमारे साथ, अगली बड़ी खबर पर भी आपसे चर्चा करेंगे। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी जयपुर